यूपी के नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुपरटेक कंपनी ने ये ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A में बना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया जा रहा है। 22 मई के दिन इस टावर को फाइनली गिराया जाएगा, यानी कि 22 मई के दिन गगन चूमती ये इमारत अपना अस्तित्व खो देगी। इस टावर को ब्लास्ट के जरिए गिराया जाना है, जिसको लेकर पहले ट्रायल किया गया। इमारत को गिराने के लिए 32 मंजिले इमारत में 13वें फ्लोर और बेसमेंट में विस्फोट लगाकर ब्लास्ट किया गया है। ट्रायल के दौरान इमारत में 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इमारत को गिराने से पहले ये पता लगाया जा रहा है कि इसे फाइनली गिराने में कितनी मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल करना होगा। 32 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने का काम मुंबई की एडिफिस एजेंसी को दिया गया है। कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी डेमोलिशन एजेंसी को इस काम के लिए अपना सहयोगी बनाया है। इस इमारत को गिराने से पहले आसपास के रिहायशी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इमारत गिराने के दौरान लोगों को अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखने को कहा गया है। इसके अलावा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से खुद सुनिए। जारी किया गया सोसाइटी वासियों को मैं पर्सनली जाके उनके RWA मेंबर्स के साथ मीटिंग करके उनको कहाँ गाड़ियाँ पार्क करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन से लोकेशंस पे पब्लिक का मूवमेंट नहीं होना है, कितने बिल्डिंग में खिड़कियों में जंगलों में बाहर आदमियों को वो आधे घंटे के समय के लिए बाहर नहीं निकलना है, ये सब जानकारी दी गई है। और उसके साथ में एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पूरी जानकारी लिखित में उनको दी गई। वहीं इस टावर को गिराए जाने से आसपास के सोसाइटी वाले डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उनकी सोसाइटी ट्विन टावर के काफी नजदीक है, उन्हें डर है कि इस टावर की चपेट में कहीं उनकी सोसाइटी ना आ जाए। हालांकि टावर गिराने वाली एजेंसी का कहना है कि किसी भी सोसाइटी को कुछ नहीं होगा। हालांकि लोगों का डर दूर करने के लिए इंश्योरेंस की बात कही जा रही है। एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, उसके लिए भी कुछ है? नहीं नहीं, तो सर डस्ट वही डस्ट क्रिएट करेगा। हाँ हाँ, जब ये दो स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा वो बाहर फेंकेगा। हाँ, तो वही डस्ट क्रिएट करेगा। गैस गैस पाइपलाइन भी है, उसके लिए भी सेंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर उस आसपास की इमारतों के लिए आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है। आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है, चार पॉइंट पे हुआ है, ATS साइड हुआ है, एमरल्ड साइड पे रखा है, तो वो मॉनिटरिंग भी हम अभी देख लेंगे उसका रिजल्ट क्या है। और उस आसपास की इमारतों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा जिस दिन ब्लास्ट होगा? सर उस डस्ट से निपटने के लिए फिर क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 मई को? डस्ट का कोई सलूशन नहीं है, डस्ट आएगा ही, बिकॉज ये इतना इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है कि 2 सेकंड में डस्ट का इतना बड़ा क्लाउड आ जाएगा। एक एक तो आप एक, 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 एक और फिर से आ जा रहा है, जो आसपास के फ्लैट वाले लोग हैं, फ्लैट्स के ओनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो है इंश्योरेंस वगैरह भी जो है कंपनी या सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, उसमें वो नहीं जी। ये हम करने वाले हैं, ये हमारी खुद की डिटेल बता दीजिए। डिटेल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि ये ब्लास्ट के 15 दिन पहले ही ये निकलेगा इंश्योरेंस। हम लोग ऑलरेडी 3 कंपनी से बात कर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा AIG। तो 3 में से एक जन को हम करेंगे। आपको बता दें कि ये टावर सुपरटेक बिल्डिंग ने अवैध तरीके से बनाए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है। 22 मई को महज 9 से 10 सेकंड में इमारत को इस तरह से गिराने की तैयारियां की हैं कि उसका मलबा आसपास न फैले, लेकिन धूल के गुबार और कंपन को रोकने और बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उस दिन आसपास के घरों को खाली करा दिया जाएगा और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस भी आधे घंटे के लिए बंद रहेगा। ट्विन टावर को तोड़ने में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अंदाजा ये है कि इमारत से करीब 25,000 टन मलबा निकलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट।